हम लोग हो गए रेडी और अब हम लोग निकल रहे हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू के लिए। तो चलो अंदर चल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वहां पे क्या क्या एक्साइटिंग है। ओके, फाइनली 5 मिनट के वॉकिंग के बाद हम लोग पहुंच गए हैं एबीस। ये देखो दिख रहा होगा। तो आप लोग एक काम करो, मॉन्टाज इंजॉय करो, तब तक मैं अंदर जाता हूँ। ओके, वेलकम टू एब्सोल्यूट बारबेक्यू। तो एबीस जाने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप अपना टेबल पहले ही बुक कर लो इस ऐप से। ये एब्सोल्यूट बारबेक्यू का ऑफिशियल ऐप है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। तो टेबल में बैठते हैं, यहाँ पे देखो आ गया वेज कबाब्स। तो ये देख लो सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे हैं। तो वेजिटेरियन में सारे ये ऑप्शन मिलते हैं, ये देख लो। तो ये सारे नॉन वेजिटेरियन के लिए आ गए हैं, ये देख लो ये सारे ऑप्शन हैं। ये जो ग्रीन डिजाइन बना है ये वेजिटेरियन के लिए, ये ब्लैक वाला नॉन वेजिटेरियन के लिए। चिकन लेग पीस, चिकन अंगरा टंगड़ी सर, चिकन अंगरा टंगड़ी, यही अनलिमिटेड बॉस। अनलिमिटेड मतलब आते रहेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये वाली चीज़ ओके, जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहा है तो बस जस्ट चिलिंग कर दो, आराम से आएंगे। ओके, एंड यहाँ टेबल में आपको 3 टाइप के सॉस मिलते हैं। एक है स्पाइसी सॉस, एक है खट्टा मीठा सॉस, ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ये मैंगो का थोड़ा मीठा सॉस है। तो ये मेरे को बहुत ही कमाल का लगा। ये स्प्रे क्या चीज का है भाई? ये आपका एक आपका चिली गार्लिक फ्लेवर में रहता है, जो अगर किसी को स्पाइसी चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल चाहिए कि ओनली आपको शाइनिंग चाहिए तो यू कैन यूज आवर स्मोक फ्लेवर। ये क्या है, ओनली आपको फ्लेवर नहीं देता है, जस्ट आपको जो थोड़ा सा आपको शाइनिंग करेंगे आपका स्टार्टर को, लुकिंग भी अच्छा रहेगा, खाने में मजा आएगा। ऑलराइट, और ये अब आ गया चीज ही अमेरिकन पोटैटो, एंड ये चिकन विंग, और भी पता नहीं क्या क्या आना बाकी है। ये जो मेरा प्लेट है स्टार्टर से भर गया, अब जल्दी से मैं इन सबको टेस्ट कर लेता हूँ। और भी काफ़ी सारे आइटम दिख रहे हैं मुझे। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट ये क्रिस्पी कॉर्न, ये मेरे को बहुत पसंद है। मम्मी अगर तुम देख रही हो तो देखो, तुम्हें भी काफ़ी पसंद है ना ये। दिस इज टू गुड यार, बहुत सही है ये तो मैं दोबारा लेने वाला हूँ। तो आप टेस्ट करते हैं इस काजू पोटैटो को। वैसे तो सब कुछ ही कमाल का है, लेकिन ये जो है ना ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैं इसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन आप जब भी आओ इसे जरूर ट्राई करना। So, इस बात के लिए लाइक तो बनता ही है, क्या बोलते हो? ओके, अब आते हैं अंदर। तो अभी मैं खड़ा हूँ मंगोलियन काउंटर में, और मेरे पीछे है विस ग्रिल, और ये मुझे समझा रहे हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। तो मेरे सामने है यहाँ पे ऑक्टोपस मीट, डक मीट, सार्क मीट, बट मैं यहाँ पे लूँगा रोस्टेड फिश। वैसे आपको यहाँ पे क्वेल मीट, इमो मीट एंड प्रॉन्स भी अवेलेबल मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ इस स्क्विड को, और ये देखो ये ऑक्टोपस को भी। तो मैं फर्स्ट टाइम इन दोनों को ट्राई करने वाला हूँ, जिसके लिए ये फेमस है। एंड ये इस विस ग्रिल का खास बात ये है कि आप अपने डिश को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। ये टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो मैं अपने ऑक्टोपस एंड स्क्विड में ये नूडल्स भी ऐड करूँगा, वैसे राइस भी अवेलेबल है। एंड ये रहा विस ग्रिल, तो जो भी आपने चूज़ करा हुआ है वो यहीं पर बनने वाला है। एंड ये सारे सॉस आइटम है जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डलवा सकते हो। तो मैं डलवाऊंगा डांसिंग सॉस।
एंड एब्सोल्यूट बारबेक्यू की खास बात यह है कि आप अपने डिश को खुद भी बना सकते हो, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम अपने हाथों से बनाया हुआ ये विस्क ग्रिल, जो भी ये स्क्विड एंड ऑक्टोपस जो है, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाला हूँ और आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि ये मुझे कैसा लगा। और खैर कोई नहीं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं ये इस ऑक्टोपस को सबसे पहले खाता हूँ। ये शायद स्क्विड है, सॉरी मिक्स है, मतलब स्क्विड एंड ऑक्टोपस दोनों ही मिक्स है। कुछ कुछ प्रॉन्स जैसा टेस्ट आ रहा है। ये स्क्विड, इसका जो टेस्ट है ना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे। अदरवाइज मैं इन सारे को थोड़ा मिक्स करके खाता हूँ। लेकिन यार ये कमाल का स्टार्टर है बॉस, मतलब ये एब्सोल्यूट बारबेक्यू का यही सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। इन लोगों का अपना लाइव मंगोलियन काउंटर है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हो। तो मैं टेस्ट करता हूँ इस रोस्टेड फिश को, जिसको मैंने ही बनाया है। बॉस फिश जो रोस्टेड फिश है ना, मुंह में डालते ही मतलब घुल गया भाई, घुल गया, समझ ही नहीं आ रहा। एब्सोल्यूट बारबेक्यू जब भी आओ तो इस मंगोलियन काउंटर में जरूर जाना। तो बाय द वे ये एक गार्लिक फिश है और ये देख सकते हो तो कितना सॉफ्ट है बॉस। ये प्रॉन्स, और इसका देखो टेल ऑटोमेटिकली निकल गया है, इसका जो टेल था ऑटोमेटिकली निकल गया। और बाय द वे हाँ, यहाँ पे तो चटनी का भी ऑप्शन है, तो मैं अपने प्लेट में यहाँ पे डालूंगा ये थोड़ा सा ये हरी चटनी। मेरे को एक प्यार सा हो गया यार, मतलब इतना अच्छा खाना कौन खिलाता है भाई, ये गलत बात है। मतलब ऐसा रहेगा तो मेरे को गुवाहाटी से जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि कोलकाता में नहीं है बारबेक्यू। एंड आज है संडे और हम लोग कर रहे हैं डिनर, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को पड़ा 799 रुपीज़ प्लस टैक्स। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो प्राइस अच्छे से पता चलेगा। यहाँ इनका लाइव पास्ता काउंटर भी है, जहाँ पे आप खुद भी पास्ता बना सकते हो। और यहाँ पे ये पास्ता वगैरह रखा हुआ है इनका, ये सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, सारे सॉस भी है यहाँ पे, देख सॉस। मतलब आपको रेड पास्ता खाना है, व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये हैं आज के हमारे शेफ, जो मेरे लिए आज पास्ता बनाएंगे और जो मेरे को बनवाने में हेल्प करेंगे। चलो भाई स्टार्ट कर दो, मेरे को आज रेड सॉस ही पास्ता खिलाना, बट थोड़ा सा खिलाना। ये मेरे पास्ता के ऊपर जा रहा है रेड सॉस, क्या कमाल का दिख रहा है ये। टेंगी, क्रीमी एंड लवली। एंड मैं अपना पास्ता एंजॉय कर ही रहा था कि तभी मेरे टेबल पे आ गया ये रोस्टेड पाइनएप्पल, और इसे सर्व करने का तरीका देखो बॉस, कितना जूसी है ये। ये सिर्फ एबिस में ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा ये। देख तो यहाँ का खाना तो अनलिमिटेड है, और ऊपर से इतना सारे कुछ आपको आइटम, मतलब नेक्स्ट लेवल, हर कुछ बॉस से है यार। ऑलराइट, तो अभी स्टार्टर से हम लोग का पेट भरा नहीं था, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये इंटरनेशनल काउंटर की तरफ, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मतलब एब्सोल्यूट बारबेक्यू का मैंने एक चीज़ देखा बॉस, मतलब खाने का ऑप्शन का कमी नहीं है, आप खाते खाते थक जाओगे, लेकिन लास्ट में ये बोलेंगे कि अभी ये काउंटर बाकी है, अभी वो काउंटर बाकी है। तो जब भी इधर आओ सुबह से बॉस, मैं बोलूँगा भूखे आओ, एकदम कुछ खा के बताओ, नहीं तो आप कुछ ट्राई नहीं कर पाओगे। ओके, मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है इनके पास इंटरनेशनल काउंटर में। ओके, और ये इनका ड्रेसअप देखो काफ़ी कूल लग रहा है, हाई कर दीजिए कैमरा में। तो ये फ्रेंच फ्राइज, ये पनीर टिक्का, ये स्पेशल चीज़ बॉल, ये ग्रिल्ड फिश। ओके, फिश तो बहुत खाया, पनीर टिक्का भी खाया, मेरे को ये यूनिक लग रहा है, स्पेशल चीज़ बॉल, एक चीज़ बॉल खिलाओ बॉस। स्पेशल चीज़ बॉल बन के हो गया है रेडी, तो हम लोग इसे टेस्ट करेंगे। हम लोगों ने एक ही लिया है क्योंकि अभी हम लोग को काफ़ी कुछ ट्राई भी करना है, तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। ओके,
से ये काफ़ी रोस्टेड टाइप का लग रहा है कि किसी के मुंह में भी पानी आ जाए, और अंदर बहुत सीन ही कुछ अलग है, अंदर बिल्कुल सीन इसका अलग है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, काफ़ी मतलब मैं बोलूँ ना एग्जॉटिक टाइप का है, दिखता कुछ और है, टेस्ट कुछ और है। ऑलराइट, तो इनके चाट काउंटर में यहाँ पे देख लो, ये चार ऑप्शन है यहाँ पे, पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, पापड़ी चाट। अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन है। और ये क्या चेंज होते रहता है कि हमेशा ये रहता है? ये हमेशा रहता है ना, तो हमेशा रहता है, आप जब भी आओगे आपको ये मिलेगा अवेलेबल। ओके, ऑलराइट, तो स्टार्टर्स ख़त्म होने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मेन कोर्स सेक्शन में, और मेरे पीछे दिख रहा है ये जो है वेजिटेरियन सेक्शन, और ये जो आपको दिख रहा है कहाँ गया, ये वाले हैं सारे नॉन वेजिटेरियन सेक्शन। यहाँ पे बीच में सलाद के ऑप्शन भी है, और यहाँ पे देख लो स्वीट एंड डेजर्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है मुझे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेन कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है। हाँ बताओ। स्टीम राइस, ये स्टीम राइस है, स्टीम राइस, ये आपका दाल तड़का है सर, दाल तड़का, ये सर ये भी स्पेशल दाल है सर, स्पेशल दाल है, ये भी स्पेशल। यहाँ पे आपको स्टार्ट होता है आलू कुरकुरे है सर। अरे अरे ये मेरे को काफ़ी पसंद है, ये आलू कुरकुरे। हाँ ओके, दिस इज अ पनीर मखानी, पनीर मखानी। ओके, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है लेकिन ये। और मेथी मटर मलाई है सर, मेथी मटर मलाई क्या है ये? वेज कोल्हापुरी सर, वेज कोल्हापुरी, ऑल मिक्स मतलब वेजिटेबल के साथ। अच्छा, मिक्स वेजिटेबल टाइप। ओके, और ये आपका सर चीज कॉर्न कोफ्ता करी सर। ओके, ये आपका वेज बिरयानी, जो जिनको अच्छा लगेगा वेज बिरयानी। तो अच्छा, क्या है इसमें पनीर डाला हुआ है क्या? ये आपका ग्रीन पीस है, तो ये एविस का वेज बिरयानी है जिसमें पनीर डाला हुआ है, दम बिरयानी ना, दम बिरयानी सर। हो गया, ये आपका फ्रूट सलाद है सर, ये बारबेक्यू सलाद है, ये रशियन सलाद है, स्पोर्ट्स सलाद है सर, ये आपका रायता हो गया, प्लेन कर्ड हो गया, ये दही वड़ा। ओके, नॉन वेज दम बिरयानी, चिकन, ये चिकन दम बिरयानी। और ये देखो एक को कितने छोटे छोटे करके डाला हुआ है यहाँ पे, छोटे छोटे टुकड़ों में डाला हुआ है बॉस। ये बिरयानी तो मैं टेस्ट करने वाला हूँ अभी, आप भी टेस्ट करो। और ये आपका चिकन फ्राइड राइस है ना, ये फ्राइड राइस। और ये आपका असमीज फिश करी, ये असमीज फिश करी है, इसको तो टेस्ट करना बनता है बॉस, क्योंकि मैं आसाम में हूँ। अभी एक मसाला करी है सर, मसाला करी, एक। ओके ओके, एक मसाला सॉरी। और ये मुर्ग बागमती है सर, मुर्ग बागमती, तो ये मुर्ग बागमती है। अच्छा मतलब हाँ, मुर्ग चिकन। ओके, लाल मांस मटन, तो ये मटन लाल मांस में आपको यहाँ पे मिलता है एक टोमेटो बेसिल सूप, ये देख लो। और एक मिलता है आपको यहाँ पे हॉट एंड सार चिकन सूप, एंड यहाँ पे आपको ब्रेड का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैंने अपने मेन कोर्स के लिए ये सारी चीज़ ली है, असमिस फिश करी, बिरयानी, और पेट में जगह बहुत ही कम था इसलिए मैंने सब थोड़ा थोड़ा लिया है। और अगर आप मंडे टू सैटरडे आते हो लंच के टाइम, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, वैसे ये चार्जेबल है। ओके, पहले ही मैं बता दूँ। और वैसे अगर आप इसको किसी दिन ऑर्डर करते हो तो वैसे भी ज़्यादा प्राइस इसका है नहीं, 125 प्लस टैक्स जो होगा होगा। तो स्टार्टर्स से तो मेरा पेट पूरा भर गया था, बट इनका जो मेन कोर्स है बहुत ही यम्मी है, स्पेशली ये बिरयानी एंड असमिस फिश करी। अब इतने हेवी मेन कोर्स के बाद एक आइसक्रीम तो बनता ही है, एंड यहाँ बन रहा है मेरा रोल आइसक्रीम। और ये सब जो चीज़ है ना, ये सब एब्सोल्यूट बारबेक्यू को और सबसे काफ़ी अलग बनाता है। एंड ये हो गया तैयार, अब इस रोल आइसक्रीम के मजे ले लूँ मैं। क्या ये मजा आ गया, क्या मजा आ गया, मतलब आइसक्रीम उधर भी हम लोगों ने खाया और इधर भी आइसक्रीम है। इधर आइसक्रीम, और ये देखो देखो बॉस, इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ये देख लो, ये सारे जो देख रहे हो ना आप, ये सारे आइसक्रीम के ऑप्शन है। आपका सबसे बेस्ट कौन सा होगा? अच्छा अच्छा, हाँ इसके बारे में तो आप लोगों ने ये इनका सबसे हाईलाइट और सबसे ज़्यादा मतलब पसंद किए जाने वाला, मतलब ये आइसक्रीम है इनका पान शॉट आइसक्रीम, से स्पेशल बोला जाता है। और यहाँ रेडी हो रहा है मेरा पान शॉट आइसक्रीम, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कभी भी पान शॉट आइसक्रीम ट्राई किया है कि नहीं। असली वैल्यू फॉर मनी ये है, 799 रुपये में इतना कुछ, और क्या चाहिए आपको बताओ। एंड ये मेरा पान शॉट आइसक्रीम हो गया है रेडी, अब टाइम है इसे टेस्ट करने का और बताने का कि कैसा लगा मुझे। पान वाला तो भाई मोहित के सारे व्यूअर्स को एकदम, ये लाइव चल रहा है, ये कट नहीं होगा, तो आउट ऑफ 10 इसे रैंक करो अभी, 10 on 10। ये चीज़ है जो एब्सोल्यूट बारबेक्यू को खास बनाता है मेरे हिसाब से,
आप भी आओ तो 100% ट्राई करना इसे यार, 100% ट्राई करो। अरे वाह, यहाँ पे घेवर रबड़ी भी है। अब मैं दिखाता हूँ कि इनके डेजर्ट में क्या क्या ऑप्शन है। एंड और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, रसमलाई ले लो और कश्मीरी फिरनी ले लो और बहुत कुछ यहाँ पे डेजर्ट में आइटम सब है, पेस्ट्री वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है तो नहीं खा पाऊँगा मैं इन सबको। एंड यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये है एबीस के एग्जीक्यूटिव शेफ, तो हेलो इनको, और काफ़ी अच्छा आपने खाना बनाया था, काफ़ी अच्छा लगा। तो कल जब मैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू से आया, मैं लिटरली सो गया था क्योंकि खाना जो था बिल्कुल यहाँ तक मैंने खा लिया था, और फिर भी आपको बिलीव नहीं होगा बहुत कुछ रह गया था जिसको मैंने मतलब टेस्ट ही नहीं करा। डेजर्ट ले लो, काफ़ी सारे ऑप्शन अभी भी बचे रह गए जबकि मेरे को लग रहा था मैंने कितना खा लिया। ओवरऑल यार खाना देखो, मैं बता दूँ ना एब्सोल्यूट बारबेक्यू के बारे में मैं आप लोग को दो तीन बातें बोलूँगा। एब्सोल्यूट बारबेक्यू का जो खाना है वो इधर है और जो स्टाफ बिहेवियर है ना बॉस, वो इधर है। अगर आपको किसी जगह इतना प्यार एंड इज्जत मिले ना तो मतलब वहाँ का आप हर कुछ, अगर कुछ एक दो गलती भी हो ना तो वो आपको दिखेगा नहीं। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, इतना फ्रेंडली, इतना मतलब बहुत सही था यार। मतलब मैं काश मैं आप सभी लोगों को वहाँ पे लेके आता और उस जगह के मतलब जो एम्बियंस था, जैसा एटमोसफियर बना हुआ था ना, वो चीज़ को मैं आप लोगों को फील करवा पाता। बहुत सही था, मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन था एबीस को मतलब रिव्यू करने का, बहुत ही सही था, बहुत ही सही। तो होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो फटाफट ये जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसे क्लिक करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू के ऐप का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप जाओगे तो वहाँ पर रश वगैरह रहेगा तो आप ऑलरेडी पहले से ही चेयर अपना मतलब टेबल वगैरह बुक कर लेना और ईजी तरीके से जाओ अंदर में जाके मील इन्जॉय करो यार। और मेरे को बताना कमेंट करके कि आप लोगों ने इससे पहले ट्राई किया है कि नहीं किया है एब्सोल्यूट बारबेक्यू जाके वहाँ का कुछ भी, और आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है एब्सोल्यूट बारबेक्यू का मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।